का तितली बितली दिखे ना तो ऊ का पीछे दौड़ के बड़के ठाकुर से हार मत जाना, ये हमारी आजादी का सवाल है। वरना हम लोग आजादी दिवस पे कैद हो जाई है। हो गया तुम लोगों का? हाँ। ए बोलना, तीन की गिनती पे भागना है। एक, दो, तीन। रेस नहीं है तो का है रे? कैसन रेस हुई? आप गाड़ी में काहे बैठ गए? जो मैदान में पहले पहुंच जाए वो जीती है, पर कैसे पहुंचे ये बोले थे का? अरे हमारा मन हुआ गाड़ी से रेस लगाने का, तो हम गाड़ी से रेस लगा रहे हैं। तोरे पास है तो तू अपनी गाड़ी ले आ, चल देखते हैं मैदान में पहले कौन पहुंचे हैं। मगर ये तो चलो फुटकी, कैसन दोस्त है? आजादी दिवस पे अपने दोस्त लोगों को बंधुआ बनाई वाली है का? छुटकी को सबक सिखाए के और भी तरीके हैं बड़के ठाकुर, रेस लगाए की क्या जरूरत है? जरूरत है चिमा, जब ये रेस से हारेगी ना इसका हौसला टूट जाए, जब इसका हौसला टूटेगा ना तो फिर ये कभी हमारी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता है। ये ऐसा वैसा लड़की नहीं है, इसकी आंख में बकावत है और बकावत वाले सांप का सर कुचलना बहुत ही जरूरी है। ईका तो हम बस्ती वालों के सामने उदाहरण बनाई दें, फिर कोई हमारी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता है। फिर वो चाहे बच्ची हो या बड़ा,
तू फिर भी नहीं मारी तो हीरू के साथ भी हम वही करेंगे तो सबके साथ करत है, और वही भेजेंगे जहां सबको भेजा है। अब और इंतजार नहीं हो रहा है। स्कूल का काम जल्दी से खत्म करके बच्चों लोगों पे मोहर लगानी है। उन सबका हमने अपना बंधुआ बनाना है। उसके बाद जब फुटकी का उतरा हुआ मुंह देखेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। रुकिए मालिक। का हुआ मालिक? तोहरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, पहले ओका यहाँ आए दियो। ए, जाना तो ये किसका जीप है? जी माँ, कहा बहस कर रहे? अरे आज हम यहाँ मुख्य अतिथि हैं, आजादगंज के बड़के ठाकुर नहीं, समझे? मान लियो ये जो बोल रहा है। चला गाड़ी, उड़ाई दे एम्बुलेंस को। आप यहाँ मुख्य अतिथि हैं बड़के ठाकुर, हम ऐसा करिए तो आपके नाम खराब हो जाइए। आप बोलते हैं डॉक्टर, ये एम्बुलेंस काहे भगा रहा था? कौन मरीज है का? जरा देखे तो, ये तो खाली है रे। तो फिर काहे बम बम बजा के आ रहा था? ये बच्ची बोली इसके दोस्तों की जान खतरे में है, इसलिए इन्होंने ऑन किया।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं। छुटकी छुटकी बच्चों की जान खतरे में है। हमको कैसन भी करके स्कूल के मैदान में पहुँचा दीजिए। ये लाल बत्ती वाली बस को कोनो भी रास्ता दे दी है। हम थोड़ा हाथ जोड़े थे। नन्हे नन्हे बच्चों की जीवन और मृत्यु का सवाल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ड्राइवर काका, जल्दी चलो, इमरजेंसी है। और ये लाल बत्ती भी जला दो। ये हौसलों की धन्यवाद। ये हौसलों की उड़ान है। हम बोले थे ना, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सका था। हम तो जीत गए बड़के ठाकुर। अब तो आप हमारे दोस्तों को बंदी नहीं बनाई हो ना? अरे अरे अरे, जरा देखो तो फुटकी को। खेत किसका रे? हमरा। खेल किसका? हमरा। और नियम कौन का? वो भी हमरे। इसलिए फिर जीत भी हमरी हुई ना। ए फुटकी, एक बात कान खोल के सुन ले। तोरा दोस्त लोग उनको बंधुआ बना के रखेंगे, समझे? झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। आइए ठाकुर साहब, आज स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? यहां पर पधारे सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बीच आजादगंज के ठाकुर गुमान सिंह जी बैठे हुए हैं। गुमान सिंह जी आजादगंज में अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। आज यही ध्वजवंदन करें। आइए गुमान सिंह। कौन हो बिटिया? हमका तो आप बिटिया ही समझ लियो काका। पर ये वो नहीं है जो आप सब समझ रहे हो। हम भी अपनी काकी से सुनत रहे। बहुत पहले लोगों ने इस देश को आजाद कराए के बाद एक झंडा फहराया था। मर के कट के बलिदान दे के बाद उन लोगों के हाथ में ये रस्सी आई थी जो बड़के ठाकुर पकड़े वाले हैं। इनके हाथ में वो रस्सी नहीं दियो काका। ये तो हमारे दोस्तों लोगों का बंदी बनाए का चाहते हैं। बंदी बनाए वाला
पैसे जोड़ने फेरा सकत है। अरे बचुआ, ये तुम का बोल रही हो? हम समझावत है ना। तो हुआ यू कि हमरे दोस्त लोगन इका बाग में आम लेई खातिर चले गए। ई बात बड़के ठाकुर को पता चली तो ई बचुआ लोगन को पकड़ के उका बंदी बनाकर सजा सुनाई दिए। ऐसा कोनो करत है का? हम बोले रहे मालिक छोड़ दियो तो बड़के ठाकुर नहीं माने, उल्टा हमसे रेस लगाए का शर्त रख दिए। अगर तू ही चाहती है कि हम तोरी पलटन को आजाद कर दिए तो तू का हमारे साथ रेस लगाई पड़ी है। स्कूल के मैदान में पहले कौन पहुंचे है देखत तू या हम? हम अपने दोस्तों का वचन दिए रहे कि हम रेस जीती है और उनका छुड़ाई के रही है। अरे बचुआ, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे इका बात पे ध्यान मत दियो। छोड़ दो ठाकुर साहब, वो बच्चा लोगन है, उनका माफ कर दियो। वो आपके खेत के तरफ कभो न जाई है। लेकिन इस लड़की के हाव भाव से पता चल रहा है कि ये सच कह रही है। गुमान सिंह जी, क्या आपने बनवागिरी जैसी पुरानी और घिनौनी परंपराओं को अभी तक जिंदा रखा है? हाँ, जवाब दीजिए गुमान सिंह जी, क्या ये बच्ची सच कह रही है? गुमान सिंह जी, आपको जवाब देना ही होगा। क्या आप उन लोगों को बंधुआ बनाकर उनसे मजदूरी करवाना चाहते हैं? आप चुप क्यों हैं? बताइए। गुमान सिंह जी, आपको जवाब देना ही होगा। क्या आप उन लोगों को बंधुआ बनाकर उनसे मजदूरी करवाना चाहते हैं? आप चुप क्यों हैं? बताइए। बात हमका तुमरे आवाज से तुमरे हौसले का पता चल रहा। क्या नाम है तुम्हारा? अंजूर। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नाम। तुमका तुमरे नाम का मतलब पता है? अरे वाह, अगर पता है तो सबन का बताओ और जोर से बताना। हमरी माई बोलत रही इका मतबल उजाला होवत है।
उजाला, केवल उजाला नहीं बचवा, का पूरा मतबल होगा थे अंधेरे के बाद का उजाला। देख रहे गुमान सिंह जी, छुटकी प्यारी लड़की तो आपकी परीक्षा में सफल हुई गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मालकिन कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं?